अत्र देश के भविष्य हुआ करते हैं जो सब जानते हैं, उस पर इस तरह से लाठीचार्ज करना ये कहीं से न्यायपूर्ण नहीं है। और मामूली ट्रैक मैन का काम करने के लिए आप दो एग्जाम ले सकते हैं क्या? यह छात्र के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, धोखा। वो स्टूडेंट है, वो पूछती है सरकार से कि हमको हक दीजिए, तो उसके बाद लाठी से घर में से घुस करके मारा जाता है। नितीश कुमार अत्याचार करना बंद करो, वादा किया है नौकरी तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आरआरबी परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया गया था। इस भारत बंद का समर्थन राजद ने भी किया था। राजद के समर्थकों ने सड़क पर उतरकर जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। आइए हम कुछ राजद नेताओं से बात करते हैं और छात्रों से भी बात करते हैं कि आखिरकार प्रदर्शन का वजह क्या है। इससे पहले दर्शकों, आपसे गुजारिश है कि यदि आप अब तक बिहार न्यूज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। छात्रों के ऊपर जो बर्बरतापूर्वक बिहार सरकार ने जो अन्याय किया है, छात्र देश के भविष्य हुआ करते हैं जो सब जानते हैं, उस पर इस तरह से लाठीचार्ज करना ये कहीं से न्यायपूर्ण नहीं है। और इसके विरोध में ये बिहार बंद किया गया है और ये भगवानपुर चौक जो हमारे उमेश कुमार पटेल भाई के नेतृत्व में ये बंद कराया गया है, जो आरजेडी के पुराने सिपाही हैं, हम लोग इनके साथ हैं यहाँ। और इसमें सिर्फ जो इमरजेंसी सेवा है, जैसे एम्बुलेंस है या कोई किसी प्राइवेट गाड़ी में कोई बीमार जा रहे हैं, उनको ये पूरी तरह से हम लोग उनकी सहायता कर रहे हैं, उनको रास्ता दे रहे हैं कि उन पर किसी तरह की कोई ये नहीं हो, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो। इमरजेंसी सेवा सारी हम लोग उसको दे रहे हैं एम्बुलेंस के साथ साथ। छात्रों के समर्थन में जो आप लोग हड़ताल किए हुए हैं, क्या मांगे हैं? मांगे हैं कि उनके जो आरआरबी और एनटीपीसी में जो एग्जाम ले लेके उन लोगों के साथ जो धोखाधड़ी किया जा रहा है एग्जाम के नाम पे, जो फॉर्म भरवा के रेलवे सीबीटी सारे एग्जाम्स के बारे में जो बिहार सरकार द्वारा के इसके नेतृत्व में किया जा रहा है, जिसमें ठगी का काम किया जा रहा है, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्हें लॉलीपॉप दिखा के फॉर्म भरवा के करोड़ों करोड़ रुपया उसका रेवेन्यू कमाया जा रहा है सरकार के द्वारा, जिसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, जिसके लिए हर चीज के लिए एग्जाम के लिए आंदोलन, रिजल्ट के लिए आंदोलन, हर चीज के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने यह वैकेंसी 2019 में निकाली, 2019 में एनटीपीसी की वैकेंसी आई और उन्होंने नोटिफिकेशन में दिया कि हमको 7.5 लाख बच्चों को क्वालिफाई करा करके और मेंस के लिए तैयार करना है, और उन्होंने क्या किया, 3.5 लाख बच्चों का ही रिजल्ट दिया। तो फिर और बच्चों और स्टूडेंट कहाँ गया, उसका भी हम जवाब मांगना चाहते हैं सरकार से। और उसने जब 19 में रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई तो उन्होंने बोला कि केवल एक ही एग्जाम होगा और उसके बाद फिजिकल होगा। फिर बाद में उन्होंने 23 फरवरी को एग्जाम होने वाला था तो उन्होंने कहा कि अब हम सीबीटी 2 भी लेंगे। उन्होंने पहले नोटिस जारी किया कि रेलवे ग्रुप डी में केवल हम एक एग्जाम और उसके बाद फिजिकल लेंगे। और फिर एग्जाम से जस्ट 15-20 दिन पहले उन्होंने कहा कि हम रेलवे ग्रुप डी में भी सीबीटी 2 लेंगे। ये तो यूपीएससी बीपीएससी का तो एग्जाम नहीं रह गया है, ये तो ग्रुप डी का एग्जाम है। मामूली ट्रैक मैन का काम करने के लिए आप दो एग्जाम ले सकते हैं क्या? यह छात्र के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, धोखा किया जा रहा है। क्या रहा है उसके बाद भी क्या हो रहा है कि 4-5 साल बच्चा सब मेहनत करता है, उसके बाद होता है कि ग्रुप डी का ही एग्जाम का पेपर लीक होता है, बैंकिंग का नहीं होता है। 104 करोड़ बच्चा मेहनत करके 4-5 साल एग्जाम दिया, फॉर्म भरा, पैसा दिया, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। अब बताइए कि बैंकिंग का लीक नहीं होता, आईएएस का लीक नहीं है, बीपीएससी का डी ग्रेड का क्यों लीक हो जाता है? और उसके बाद जो स्टूडेंट है वो पूछती है सरकार से कि हमको हक दीजिए, तो उसके बाद लाठी से घर में से घुस करके मारा जाता है, पीटा जाता है, घर में से निकाल के मारा जाता है। हम लोग प्रजातंत्र में जी रहे हैं, हम लोग राजतंत्र में नहीं जी रहे हैं। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम आवाज उठाएंगे अपने खिलाफ, हम अपने स्टूडेंट के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और स्टूडेंट भी अब उखड़ गई है सरकार के विरोध में और ये अब नहीं चलेगी। एग्जाम का पेपर लीक नहीं होना चाहिए। जो बच्चा 5-7 साल 20-20
साल आ 15 साल आ 10 साल आ 5 साल लगी बच्चा का एग्जाम का रिजल्ट नहीं आएगा, उम्र पार कर जाता है उसी में। अब बच्चा क्या करेगा, वो तो बेरोजगार है। अब सरकार यहाँ से कुछ रोजगार के लिए कुछ नहीं करते, सोचे दारू और गांजा के बारे में पूरी प्रशासन को लगा दिए हुए है और रोजगार के बारे में कुछ सरकार सोच ही नहीं रही है। प्रदर्शन करे छात्रों पर FIR दर्ज किया, ये आप क्या मांग करते हैं इसको लेकर? ये प्रशासन वापस हो, अधिकार है बच्चा का। आप पैसा लिए 1,04,00,000 बच्चे को पैसा लिए, उस पर केस नहीं होनी चाहिए सरकार के ऊपर कि पैसा काय लिए, काय पेपर लीक हो गई। सारा पैसा बच्चे को वापस करे और ये जो FIR बच्चे को हुई है वो भी आपस होना चाहिए, उस पर बच्चे पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बच्चा का अधिकार है विरोध करने का, आप विरोध करेगा रोटी मांगने जाएगा तो आप लाठी मांगिएगा मारिएगा, ये कहाँ का भाई नियम है? बच्चा रोटी मांग रहा है आप लाठी दे रहे हैं उसको, ये कहाँ का नियम है? और ये प्रजातंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र रहता तो आपका हम मात मानते कि सरकार के डर के रहना है, हम प्रजातंत्र में हमारी वोट से आपकी सरकार बनती है, ये बच्चों की वोट से सरकार बनती है, ये बच्चों ने सरकार, जवानों बुजुर्गों ने सब सरकार मिल करके बनाई है। ऐसा थोड़े है कि नीतीश बाबू अकेले सरकार बना लिए है, समझे ना। यदि मांगे पूरी नहीं होती आगे की रणनीति आप लोगों की? लगातार आंदोलन चलेगी, अब जनता जाग गई है सरकार के विरोध में, अब सरकार की नहीं चलेगी जनता की चलेगी। पहचान आपका? मेरा नाम गरीब कुमार यादव, जिला सचिव RJD मुजफ्फरपुर।